हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं मेरा गायन का अपडेट वीडियो लाया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और दोस्तों बहुत सारे पौधे के लिए जानकारी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरा गार्डन में अभी तक मैं परमानेंट प्लांट को भी ऐड किया हूँ और ग्रो बैग में ही लगाया हूँ। देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पौधा है और ये सब ग्रो बैग में अच्छे तरीके से चल रहा है। और आज देखिए दोस्तों बहुत ही खुशी का दिन है। दोस्तों देखिए बहुत दिनों के बाद दोस्तों 2 महीना 3 महीने से पहले मैंने लगाया था आलमंडा का कटिंग और आज देखिए दोस्तों फूल खिल रहा है मेरे गार्डन में। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों 2-3 वैरायटी का आलमंडा का कटिंग्स दोस्तों मैंने 2-3 महीने पहले लगाया था। तो दोस्तों देखिए आज अच्छे तरीके से ग्रो होकर देखिए फूल खिलना स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत कलर्स है इसका और कितना सुंदर लग रहा है। और दोस्तों मैंने इसका हार्ड कटिंग लगाया था और ये लग गया था। तो दोस्तों उस दिन से मैंने इसमें कुछ भी फर्टिलाइज़र यूज नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सीजन आने से पहले बहुत सारा पिटूनिया का पौधा मेरे गार्डन में अपने आप उग कर उसमें भी फूल आ गया है दोस्तों। और मैंने इसका बहुत ज़्यादा कटिंग से भी पौधा तैयार कर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है पिटूनिया का फूल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोसमस का और 2-3 वैरायटी का पौधा मैंने लगाया है। दोस्तों ये देखिए ऑरेंज और येलो कलर का कोसमस का पौधा है और इसमें भी देखिए दोस्तों कलियां आ गया है। दोस्तों इसमें बहुत सारे फूल खिलता रहता है देखिए दोस्तों और बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों मैंने इसको सीड से ग्रो किया था दोस्तों देखिए और आज देखिए पौधा कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और जितना भी पौधा लगाया था मैंने दोस्तों सब पौधे में कलियाँ आ गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बिना मिट्टी से कितना बड़ा पपाया का पेड़ मेरे गार्डन में अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है।